शाहिद कपूर ने बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 से कैसे अलग है उनकी फिल्म जर्सी। कहा दोनों फिल्मों की अपनी अपनी ऑडियंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की जर्सी एक बार फिर अपनी तय रिलीज डेट जो कि 14 अप्रैल थी उससे पोस्टपोन कर दी गई है। अब जर्सी 22 अप्रैल को सिनेमाघरों में सोलो रिलीज होगी, जबकि पहले 14 अप्रैल को जर्सी को यश और संजय दत्त स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करना पड़ रहा था। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 की रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग के बाद जर्सी के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। लेकिन जर्सी की रिलीज के पोस्टपोन होने से पहले शाहिद ने केजीएफ चैप्टर 2 से अपने बॉक्स ऑफिस मुकाबला करने पर खुलकर बात की थी। बॉलीवुड हंगामा के साथ में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शाहिद कपूर ने बताया कि उनकी फिल्म जर्सी कैसे केजीएफ 2 से अलग है और लोगों को यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए। जर्सी और केजीएफ चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस मुकाबले पर शाहिद ने बॉलीवुड हंगामा के साथ में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पहली या दूसरी बार हो सकता है कि मेरी फिल्म के साथ में एक और फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन दोनों ही फिल्में अलग है। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक प्रॉपर हिंदी फिल्म है, जबकि दूसरी फिल्म है जो कि केजीएफ चैप्टर 2 है, यहाँ एक हिंदी डब है। केजीएफ की अपनी ऑडियंस है और इसके पहले पार्ट को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन इसकी शैली अलग है। यहाँ एक हार्डकोर एक्शन फिल्म है, जबकि जर्सी एक फैमिली ड्रामा है, स्टोरी बेस्ड है, इमोशन बेस्ड और रिलेशनशिप स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, जबकि केजीएफ चैप्टर 2 पूरी तरह से एक्शन बेस्ड फिल्म है। हमारे पास 4 दिन का वीकेंड है, इतने लंबे वीकेंड पर 2 बड़ी फिल्मों पर दर्शक अपना प्यार बरसाएंगे और सिनेमाघरों तक फिल्म देखने जरूर आएंगे। शाहिद ने आगे कहा, हमें लगता है कि जर्सी के लिए 22 अप्रैल की डेट एकदम सही डेट है। मुझे लगता है कि पहले इस तारीख को लाल सी चड्डा रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दी। जब हमने यहाँ सुना तो हमें लगा कि यहाँ डेट अपनी फिल्म की रिलीज के लिए एक अच्छा अवसर है और हमने इसे ही चुन लिया। अगर आप इन बातों को ज़्यादा सोचोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। हमें अपनी फिल्म के बारे में अच्छा लगता है, हमें लगता है कि जर्सी को पसंद करने वाले दर्शक फिल्म देखने जरूर आएंगे। जर्सी 175 मिनट यानी कि 2 घंटे 55 मिनट लंबी है। यह शाहिद कपूर के अब तक के 18.5 साल के फिल्मी करियर की सबसे लंबी फिल्म है। दिलचस्प बात यहाँ है कि जर्सी की ओरिजिनल फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट ही था। बता दें कि जर्सी की कहानी एक असफल क्रिकेटर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने बेटे को जर्सी खरीदने के लिए संघर्ष करता है। एक रो भरोसेमंद और वास्तविक कहानी। जर्सी मानवीय भावनाओं का उत्सव है, आपको सपनों की ताकत में विश्वास दिलाते हुए यह फिल्म आपको अपनी सीट से बांधे रखने के लिए तैयार है। फिल्म में पहली बार शाहिद कपूर के साथ में मृणाल ठाकुर भी नजर आएंगी। अनुभवी अभिनेता पंकज कपूर बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए वहां इस फिल्म में क्रिकेट कोच की भूमिका में दिखाई देंगे। अल्लू अरविंद द्वारा प्रस्तुत फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता गौतम तिन्नूरू ने किया है, जिन्होंने मूल तेलुगु जर्सी का निर्देशन किया था। और यह फिल्म अमन गिल, दिलराजू और एस नागा वामसी द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।